हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आस्था लोहता लिविंग नेचर से आज फिर हम हार्वेस्ट करने आया मेरा टेरेस गार्डन पे। क्या क्या हार्वेस्ट होगा चलिए देख लेते हैं। और अभी बारिश के टाइम मेरा गार्डन भी कैसे हाल है चलिए देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा हरसिंगर का पौधा देखिए, ये भी हिल गया कल बारिश के कारण से हिल गया। इसको भी आज हम उठाएंगे, देख रहा है ये पूरा हिल गया, इधर से देखिए पूरा हिल गया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हरसिंगर का हम ये कर दिया, खड़ा कर दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मेरा गुलाब तो अभी बहुत खिल रहा है, तो फिर हम नहीं रख सकते, ये सब हम काट लेते हैं। तो लेने से क्या होगा, ठंडी के टाइम विंटर में ज़्यादा फ्लावर होगा, इसलिए सब हम काट लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खिलने देते हैं क्योंकि मेरा काम में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा खिलने देते हैं, ये काट लेंगे। और ये थोड़ा एक दिन रख देंगे, उसके बाद काट लेंगे। आप लोग ऐसे ही काट ले सकते हैं, काट लेने से और अच्छा है। तो हम तो ऐसे रख देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, और सब इधर देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक ठाक है। ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रिंजल अभी छोटा है, तो ये सब आज हार्वेस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो और हम नहीं बोलेंगे, कौन आता है और खा लेता है। आज हम नहीं बोलेंगे, सिकेटियर लाना पड़ेगा। काटना बहुत मुश्किल है, मेरा एक हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। इधर भी है, तो सोच रहा है ये और एक दो दिन रहने देते हैं। और इधर सब जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सरसों का साग है, ये आज थोड़ा सा हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि नहीं तो इसका फ्लावर आ जाएगा और ये साग खराब हो जाएगा, इसलिए ये हम थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेते हैं। तोड़ लेने से बहुत दिन हमको साग मिलेगा। और इधर भी है, ऐसे सब हर जगह में हम छिड़क देते हैं, अरे हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी जो जूट लीफ का साग है, ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट करेंगे, बहुत दिन हमको साग मिला। देखिए 3-4 महीना से ये साग हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक भी हो रहा है। तो इसके बाद इसमें हम और कुछ लगाएंगे, इसका सीड्स रख देंगे उसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, उधर मेरा सब विंटर मेलन सब एस कोड सब हुआ, तो ये छत पर जाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जूम करके दिखा रहा है, ये सब देखिए हम बैग में रख दिया क्योंकि नहीं तो मंकी आके खराब कर देगा। सब देखिए बैग में है, ये सब देखिए फ्रेंड्स, सब जूम करके आप लोगों को दिखा रहा है। तो ये भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा गैलंगल देखिए कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा ग्रो किया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और ये सब देखिए ब्रिंजल, ये सब पुराना प्लांट है तो फिर भी फ्लावरिंग होते रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा
सिलांट्रो है, ये धनिया पत्ता है, ये भी थोड़ा सा तोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा तोड़ लेने से ये और अच्छा होगा, नहीं तो इसका सीड्स आ जाएगा। धनिया में तो बहुत जल्दी जल्दी सीड्स आ जाता है, तो इसलिए तोड़ लेना चाहिए तो अच्छा होगा। और फ्रेंड्स देखिए, इधर देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी प्लांट, देखिए फ्रेंड्स, देखिए इधर से ये पॉट में आ गया, तो इसको भी अलग जगह में लगाना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज ज़्यादा ब्रिंजल नहीं है, तो इधर एक तो सीड्स रख दिया बैग में, ये देखते हैं पक्का कि नहीं, नहीं अभी तक नहीं पक्का, तो पक जाएगा तो ये भी हम हार्वेस्ट करेंगे सीड्स के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हम थोड़ा लेमन हम काली प्रूनिंग कर दिया, और इधर सब एक ठो गंधराज है, इधर एक ठो है, इधर फ्लावर आ गया, इसलिए ये हम छोड़ दिया, हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये अनार का भी हम प्रूनिंग कर दिया, और ये देखिए पूरा पत्ता भर गया, एक सप्ताह हो गया। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये कूले खड़ा साग भी आज हम थोड़ा सा उठाएंगे, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा करके हम तोड़ लेंगे। और ये मेरा जिंजर देखिए ठीक ठीक चल रहा है। और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट्स का प्लांट, अभी फ्रूट्स का कोई फ्लावर नहीं आया, कोई बात नहीं आ जाएगा तो अच्छा लगता है। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर स्पिनर्स देखिए एक ही टो में ये हो गया, ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट करेंगे। अभी मेरा विंटर का कोई वेजिटेबल उतना नहीं लगाया, तो इसलिए अभी मेरा वेजिटेबल थोड़ा कम है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ये भिंडी देखिए, लेडीज फिंगर देखिए फ्रेंड्स, ये सब हम सीड्स रख दिया, और हमको लेडीज फिंगर नहीं चाहिए, बहुत बहुत हार्वेस्ट किया। ये सब देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, उधर भी देखिए सब बड़ा बड़ा हो गया, ये भी हो गया। पहले हार्वेस्ट सीड्स रखेंगे, उसके बाद हम तोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा घर का सीड्स है, इसमें मेरा विश्वास है ये अच्छा सीड्स होगा, तो इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मेरा, ये मेरा आंवला का प्लांट देखिए, और ये सब देखिए फ्रेंड्स, हम प्लांट लगाया, रिपोर्टिंग किया कल, तो ये सब अच्छा लग रहा है। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चिली का प्लांट है, और ये देखिए मेरा एक जोड़ा का प्लांट देखिए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा स्टार फ्रूट्स देखिए, स्टार फ्रूट्स का ये देखिए दो वो फ्रूट्स अभी है, उधर नीचे भी एक गो है तो। और ये देखिए मेरा रेन लिली, इधर सब देखिए फ्रेंड्स, सब अच्छा लग रहा है। ये मेरा लेमन का प्लांट है, इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जिंजर, ये सीड्स रख दिया, ये बैग में रख दिया फ्रेंड्स, देखिए अभी बहुत बड़ा हो गया, और एक दो दिन बाद इसको हो सकता है पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चिली प्लांट में कितना फ्लावर आ गया देखिए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हम उस दिन चिली सब हार्वेस्ट किया, और ये सब पक गया, ये सब हार्वेस्ट कर लेंगे जो जो पक गया, और फिर ये पूरा चिली भर जाएगा। तो
मेरा गार्डन देख लीजिए, इधर भी मेरा वाटर स्पिनस है, ये भी हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कीड़ा देख रहे हैं ना, ये पूरा पत्ता खा लेता है, एकदम बहुत खराब, ये बहुत खतरनाक कीड़ा है, तो ये भी आज हम मार देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक प्रिंस चिली, ये गुच्छों गुच्छों में होता है, ये बहुत पुराना प्लांट है, 2-3 साल हो गया, फिर भी अभी तक ये मेरा बहुत चिली, ढेर सारा चिली हमको मिलता है यहीं से, तो सोच रहा है अभी ये चेंज कर देंगे, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए छोड़ दिया, चिली भी मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गंधराज लेमन, ये पूरा प्रूनिंग कर दिया, पूरा हम ये सब डाली वाली काट दिया, तो फिर इसका खाद उद देना पड़ेगा, तो ये अच्छा से ग्रो करेगा। और ये देखिए जो लेमन है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कर दिया, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि गमला में इतना बड़ा हैंडलिंग करा ठीक नहीं, तो इसलिए सब छोटा कर दिया, तो अभी ढेर सारा लेमन है, तो ये लेमन जब बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा हम प्रूनिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरा ढेर सारा लेमन है इसमें। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये सब ड्रैगन फ्रूट्स, आज हमको ड्रैगन फ्रूट्स हार्वेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, सब अभी छोटा है। सब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा भिंडी का प्लांट देखिए, हम कल सब भिंडी हार्वेस्ट कर लिया, ढेर सारा भिंडी होते रहता है, देखिए फ्रेंड्स कितना हेल्दी प्लांट है, देखिए ये सब हम प्रूनिंग कर दिया था, तो इसलिए ये सब बहुत अच्छा हो रहा है। और इधर सब देखिए, ये देखिए मेरा जामुन का ट्री देखिए, अभी तो इसका प्रूनिंग नहीं किया, ये बड़ा ही है, तो छोड़ दिया ऐसे, तो देखा तो आप लोग देखे हैं जो कितना मेरा जामुन मिला इस बार। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा वाटर एप्पल ग्रीन वाला, जो ग्रीन वैरायटी बहुत मीठा होता है, ये इसका भी प्रूनिंग करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा हो गया, तो सब ऐसे छोड़ दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा वाटर स्पिनस देखिए, ये देखिए उधर से, सॉरी मालाबार स्पिनस, ये देखिए ये पूरा इधर से भीतर से भीतर से, ये देखिए फ्रेंड्स इधर आ गया, और ये बहुत मोटा भी हो गया, तो आज हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अनार का पौधा पोमोग्रेनेट देखिए, इसका भी हम कटिंग कर दिया, प्रूनिंग कर दिया, तो देखिए इसका खाद भी दे दिया, तो अभी देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इधर ये देखिए मेरा जो इलायची का पौधा है, कार्डमम का पौधा, ये अभी तो फ्लावर नहीं दे रहा, एक बार फ्लावर दिया, कार्डमम नहीं हमको मिला, पता नहीं कब मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी फ्लावर आया तो बहुत अच्छा लगा। और इधर गेंदा का हम कटिंग करके लगाया, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अलग जगह में हम लगाएंगे तो ये और अच्छा होगा। और सब देखिए फ्रेंड्स, सब अच्छा चल रहा है। ये देखिए मेरा जो क्या है, ये मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ढक देंगे हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा स्थल पौधो जो लैंड लोटस कहते हैं, ये इसका देखिए हम कटिंग लगाया, आप लोगों को दिखाया इसका वीडियो, और देखिए कितना अच्छा जल्दी जल्दी इसका फ्लावर आ गया, देखिए पूरा फ्लावर भर गया, ये हर टाइम फ्लावर होते रहता है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बीटर गोल्ड, ये हम आज इसका भी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सीड्स रख देंगे, सब कोई मांगता है सीड्स के लिए, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा सीड्स रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा वैरायटी का है, ये जब लाल हो जाएगा तब हम तोड़ेंगे, एकदम मैच्योर हो जाएगा तब तोड़ेंगे। और हम तो हर बार बोलते हैं ये खाने में बहुत टेस्टी है इसका स्वाद। और
इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी सब छोटा छोटा हो रहा है, तो इसलिए हम छोड़ दिया। तो और ये सब पूरा सब हम सीड्स रख देंगे। सब कोई मांगता है, बाजार में जो सीड्स मिलता है वो लोग बोलता है हाँ छोटा होगा बड़ा होगा, किंतु होता नहीं। किंतु ये मेरा विश्वास है ये होगा, और ये खाने में बहुत अच्छा है, और गुण भी तो सब कुछ एक ही तरह है। और सब देखिए फ्रेंड्स, इधर हम सब रिपोर्टिंग कर दिया। ये देखिए मेरा चिली, देखिए ब्लैक कोबरा चिली देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा पॉट में था, कल परसों हम ये सब ये कर दिया, रिपोर्टिंग कर दिया, तो अभी तो ये अच्छा ग्रो करेगा। तो ये सब देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हम भिंडी हम काट दिया था, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, एक ही तो उठा है। ये सब कल परसों हम हार्वेस्ट कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गंधोरास का फ्लावर आ गया, तो कब खिलेगा तो बहुत टाइम लगता है देखने। इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये सब बरसा गया, इधर भी सब पूरा आ रहा है, तो बहुत इसका सेंट है इसलिए हमको अच्छा लगता है। और इधर का जो पेड़ पौधा फ्रेंड्स देखिए, ये सब देखिए सब अच्छा चल रहा है। ये मेरा जो रेड कलर का गुआवा है वही है, ये रख दिया हम उस दिन, इसका भी पिंचिंग कर दिया। ऐसे कर देने से क्या होगा, इसका इसमें ज़्यादा फ्लावर आएगा, अब जल्दी फ्लावर आता है, तो इसलिए छोटा छोटा जब ये आ जाएगा पिंचिंग कर दीजिए, और फिर यहीं से सब फ्लावर आएगा। तो ये एक साल हो गया, तो ये सीड्स का है, फिर भी जल्दी जल्दी फ्लावर आ गया, तो फिर तो दो तीन गो फ्लावर आया, फ्रूट्स भी पकड़ा, फिर भी नहीं था तो कोई बात नहीं, इसका गमला भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो अभी 10-12 इंची का गमला में है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा गमला में देंगे। और फ्रेंड्स देखिए इधर सब ठीक ठाक चल रहे हैं, सब देखिए। देखिए हम स्ट्रॉबेरी का रिपोर्टिंग करा किया देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बैग का अभी फ्लावर आ गया, ये अभी ये बरसात के टाइम हम नर्सरी से लाया और लगाया, और देखिए अभी इतना जल्दी जल्दी इसका फ्लावर आ गया, तो इसका भी अभी 10 इंची का पॉट में है, अभी इसका और थोड़ा बड़ा पॉट में हम देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब ठीक ठाक चल रहा है, और ये पटोली का देखिए सब अच्छा चल रहा है सब। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा अमरूद देखिए, ये गुआवा देखिए, ये देसी वैरायटी है, फिर भी खाने में बहुत टेस्टी है। और इसका देखिए, इसका भी हम सब पिंचिंग कर दिया, और ये सब फ्लावर आ गया, ये इसमें बहुत गुआवा होता है, और इसका भीतर एकदम लाल है, और खाने में बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी ऐसे गमला में लगाइए। हाँ मेरा ये गमला का साइज अभी 18 से 20 इंची का है, आप लोग ऐसे लगा सकते हैं बड़ा गमला में। छोटा जगह लगाइएगा तो प्लांट थोड़ा थोड़ा छोटा रख दीजिए, तो उसमें भी अमरूद होगा, बहुत अच्छा है अमरूद, हर बार आपको मिलते रहता है। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, हमें सीड्स लगाया, ये सब देखिए ये सब होते रहता है। ये टमाटर लगाया, ये देखिए लौकी लगाया, और ये देखिए ओनियन सीड्स लगाया, ये सब हो रहा है देखिए फ्रेंड्स, इधर सब हम मेरा सीड्स। और ये देखिए मेरा पुदीना देखिए अच्छा ग्रो कर रहा है देखिए फ्रेंड्स। ये धनिया है, ये भी थोड़ा सा हम लगाया, ये ब्रिंजल का प्लांट है, एक स्पॉन्सिडिया है देखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए अरबी देखिए, इधर हम लगाया, इस बार पहली बार लगाया अरबी यहीं पर, तो ये भी हो रहा है अच्छा ग्रो कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लैक प्रिंसेस चिली, ये भी हो रहा है, ये देखिए छोटा सा एक पॉट में लगाया, इसका भी रिपोर्टिंग करेंगे हम। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रिंजल
हम होगा एक महीना रिपोर्टिंग करके लगा यार, कितना हेल्दी प्लांट हुआ देखिए। तो इसमें फ्लावर भी आ गया और देखिए इधर मिली बाग में, ये मिली बाग को ऐसे तो आप मार दे सकते हैं एक दो को हो जाएगा तो, नहीं तो हम ऐसे जो नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसमें मेरा हर प्लांट ठीक रहता है। देखिए मेरा कोई प्लांट में उतना कीड़ा उड़ा नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडिश लगाया और ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर सब रेडिश पक रहा है देखिए, तो अच्छा लगता है। और ये मेरा इमली का पौधा में देखिए फिर फ्लावर आ रहा है, इधर अच्छा फ्लावरिंग आ रहा है। एक बार भी इमली नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखने में ये प्लांट बहुत अच्छा है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नीम का पत्ता, ये भी बहुत अच्छा है ग्रो कर रहा है। हम उस दिन तोड़ लिया, फिर ये छोटा 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 पत्ता आ रहा है। तो ये सब जो पत्ता है पुराना हो गया, ये भी तोड़ लेंगे, ये हम पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो और जो है छोटा पत्ता है वो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे गिर जाएगा। तो घर में नीम पत्ता रहने से आपका बहुत काम में आ जाएगा, आप नीम ऑयल बनाइए घर में, बहुत कुछ काम में आ जाएगा। तो इसलिए हम नीम पत्ता तो घर में रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम तोड़ लिया थोड़ा सा। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कारी लीफ, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया। और ये 10 इंची का पॉट में है, तो हम सोच रहे हैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा ही रख देंगे। और ये देखिए, ये भी मेरा अरबी का पौधा है, इसका पत्ता नहीं खाते हैं हम लोग, इसका जो अरबी होता है अरबी रूट वही खाते हैं, ये बहुत टेस्टी वाला है। तो आप लोग भी ऐसे गमला में लगाइए और ढेर सारा अरबी मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। और ये सब देखिए मेरा चंद्रमल्ली का, ये भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये सब छोटा छोटा पॉट में है। तो फ्रेंड्स ये सब ठीक ठाक है। और इधर सब देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो एस्कोट जो है, एस्कोट देखिए फ्रेंड्स, इधर ढेर सारा हुआ देखिए, भीतर भीतर हुआ, इसका भी हार्वेस्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, इधर देखिए ये सब पक गया, ज़्यादा पक्का नहीं है, इधर भी है, ये सब हार्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। इधर भी देखिए फ्रेंड्स, इधर है, इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैकयार्ड गार्डन का है, फिर हम ऊपर चढ़ा दिया तो इसलिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसका भी आज हम थोड़ा हार्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मेरा टेरेस से ज़्यादा कुछ नहीं हार्वेस्ट हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक ग्रेन सब साग हार्वेस्ट किया। फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं आज हार्वेस्ट हुआ, थोड़ा सा हार्वेस्ट किया। ये देखिए नीम लीफ थोड़ा सा हार्वेस्ट किया, ये हम पेस्टिसाइड बनाएंगे। और ये देखिए मास्टर लीफ थोड़ा सा हार्वेस्ट किया, और ये जूट लीफ थोड़ा सा हार्वेस्ट किया देखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए सुलांट्रो भी थोड़ा सा हार्वेस्ट किया, और ब्रिंजल तो नहीं हुआ। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाटर स्पिनस और ये कुले खड़ा शाक हार्वेस्ट किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम एस्कोट हार्वेस्ट किया देखिए फ्रेंड्स, 6-7 को हार्वेस्ट किया, अभी तक मेरा टेरेस पे है। तो फिर भी ये मेरा नीचे बैकयार्ड गार्डन का प्लांट है, हम छत पर चढ़ा दिया तो वहीं पर हुआ, तो अच्छा लग रहा ये हार्वेस्ट करके। तो आप लोग भी ऐसा करके थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग शुरू कर दीजिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।